अंडररेटेड। क्रिकेट के मैदान में पहली बार सुनने पर यह शब्द तो तारीफ लगता है, लेकिन अंडररेटेड खिलाड़ी होने का ये टैग श्राप तब बन जाता है जब आपको अंडररेटेड के नाम पर सिर्फ तारीफें मिलें, मौके नहीं, जिसका नतीजा ये होता है कि खिलाड़ी कुछ दिनों बाद गुमनाम हो जाता है। यहाँ अफसोस की बात यह है कि भारत जैसे क्रिकेट पावर हाउस देश में ऐसे अंडररेटेड खिलाड़ियों की लिस्ट बहुत लंबी है। हालांकि इस लिस्ट के खास नामों में से अमोल मजूमदार, वसीम जाफर, अमित मिश्रा, मुरली कार्तिक, ऋषिकेश कानिटकर आदि के संघर्षों से जुड़ी कहानी नारद टीवी आपको पहले ही बता चुका है, मगर आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंडररेटेड खिलाड़ी की जिसके नाम घरेलू क्रिकेट में कई रिकॉर्ड हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शायद ही कोई उस खिलाड़ी का नाम आज याद करता हो। दोस्तों, जिस खिलाड़ी की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के अमय खुरासिया जो भारतीय क्रिकेट इतिहास के एकमात्र ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो IAS अफसर भी रह चुके हैं। तो चलिए बाएं हाथ के इस विस्फोटक खिलाड़ी के बारे में क्रिकेटर्स फ्रॉम लास्ट सेंचुरी के आज के इस एपिसोड में करीब से जानते हैं। दोस्तों, अमय राम सेवक खुरासिया यानी अमय खुरासिया का जन्म 18 मई 1972 के रोज मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। अपने स्कूल के दिनों से ही अमय खुरासिया खेल और पढ़ाई दोनों में अव्वल थे, मगर उम्र बढ़ने के साथ अमय ने क्रिकेट को करियर के रूप में चुनने का फैसला लिया और जमकर मेहनत की। हालांकि अमय ने पढ़ाई कभी पूरी तरह नहीं छोड़ी और दोनों क्षेत्रों को बराबर वक्त देते रहे। अमय के टाइम मैनेजमेंट और डेडिकेशन का इनाम उन्हें 1989 में तब मिला जब क्लब स्तर पर अच्छे प्रदर्शन के बाद महज 17 साल की उम्र में अमय को मध्य प्रदेश की रणजी टीम में शामिल किया गया। अमय के लिए 1989-90 सत्र सामान्य रहा, लेकिन असल कहानी शुरू हुई 1990-91 सत्र से। अमय ने सबको चौंकाते हुए रनों का पहाड़ खड़ा करना शुरू किया और अगले लगातार 4 रणजी सीजन में ऐसे खेले जिसमें अमय ने 500 से ज्यादा रन बनाए। अपने चौथे प्रथम श्रेणी मैच में 70 रन की बेहतरीन पारी खेलने वाले अमय ने असल सनसनी मचाई अपने छठे रणजी मैच में, जहां उन्होंने पहली पारी में तेज 99 रन बनाकर मध्य प्रदेश को बड़ी लीड हासिल करने में अहम भूमिका अदा की और दूसरी पारी में नाबाद 99 रन बनाकर मध्य प्रदेश को 7 विकेट से जीत भी दिलाई। मगर दोनों पारियों में 99 रन बनाने के चलते अमय एक अनचाहे रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। अभी तक क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक ही प्रथम श्रेणी मैच की दोनों पारियों में 99 रन बनाए हों, और उनमें से एक नाम अमय खुरासिया का भी है। उस यादगार मैच के बाद अमय ने उसी सीजन में 238 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली और मध्य प्रदेश के एक हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक यादगार सीजन के बाद अमय का नाम मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर था, क्योंकि अमय खुरासिया सिर्फ बड़े रन नहीं बनाते थे बल्कि वो तेजी से रन बनाने की भी काबिलियत रखते थे। समय के आकर्षक अंदाज के बारे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मध्य प्रदेश रणजी टीम के कप्तान संदीप पाटिल ने कहा था, मध्य प्रदेश के लोग अमय को स्टार से कम नहीं मानते थे। अमय के छक्के चौके मारने के स्टाइल के अलावा दर्शक अमय की फील्डिंग के भी दीवाने थे। दोस्तों, रणजी रिकॉर्ड बुक उठाकर देखें तो अमय के नाम के आगे कई बार लगातार 3 छक्के मारने का कारनामा नजर आता है। यह रिकॉर्ड संदीप समेत कई क्रिकेट विशेषज्ञों की बात को सही साबित करता है। दोस्तों, जहां एक तरफ 90 के शुरुआती दशक में अमय खुरासिया ने क्रिकेट गलियारों में अपने प्रदर्शन से शोर मचा रखा था, वहीं दूसरी तरफ अमय ने एकेडमिक्स पढ़ाई में कमाल करना जारी रखा और ये कमाल शिखर को तब पहुंचा जब अमय ने भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी IAS क्लियर किया। इसके बाद अमय इंडियन कस्टम्स व सेंट्रल एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए, मगर इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए अमय को ये पद छोड़ना पड़ा और साल 1999 में अमय को भारत की जर्सी पहनने का मौका मिला। सालों से इस ख्वाब को पूरा करने की चाह दिल में लिए जी रहे खुरासिया ने मौके को दोनों हाथों से लपका। उन्होंने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय पारी में सिर्फ 45 गेंदों में 53 रन बनाए और श्रीलंका के विरुद्ध मुश्किल में फंसी भारतीय टीम को अजय जडेजा के साथ मिलकर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जडेजा और अमय के बीच हुई 125 रनों के निर्णायक साझेदारी के दम पर भारत मैच जीत गया और इस तरह अमय का ड्रीम डेब्यू एक हकीकत बन गया। मगर शानदार आगाज के बाद अमय अगले कुछ मैचों में बुरी तरह फ्लॉप रहे, लेकिन चयनकर्ताओं ने अमय पर भरोसा बनाए रखा क्योंकि इस दौरान भारतीय टीम एक मजबूत और धाकड़ मिडिल ऑर्डर तलाश रही थी जिसकी उम्मीद के दम पर अमय को भी देखा जा रहा था, लेकिन अमय इसके बाद मिले मौके को भुना नहीं पाए जिसके चलते अमय को ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि अमय ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 2001 रणजी सीजन में 700 से अधिक रन बनाए। यही वजह रही कि जब साल 2001 में श्रीलंका के विरुद्ध सचिन चोटिल हुए तो चयनकर्ताओं ने अमय खुरासिया को फरियाद किया, मगर उन 2 मैचों में अमय के स्कोर सिर्फ 12-0 रहे। इसके बाद अमय को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उन्हें फिर कभी दोबारा मौका नहीं मिला। हालांकि अमय ने 2001 के बाद अगले 6 साल और घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल दिखाया, मगर सेलेक्टर्स अमय को जैसे भूल ही गए थे। अमय को नजरअंदाज करने की वजह किसी को समझ नहीं आई, जबकि उस दौरान बहुत से नए खिलाड़ियों को बार बार मौके भी दिए गए थे। आज जब अमय खुरासिया का नाम कहीं आता है तो उन्हें 12 मैचों में 14.54 की औसत से महज 149 रन बनाने वाले फ्लॉप क्रिकेटर के रूप में देखा
देखा जाता है और खराब टेक्निक का हवाला देकर क्रिटिसाइज किया जाता है, मगर हकीकत इन आंकड़ों से काफी अलग है। दरअसल अमय एक अटैकिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। जब उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौके मिले तो ज्यादातर मौकों पर जरूरत शॉट्स लगाने की थी, जिसके चलते अमय 12 मैचों की 11 पारियों में 149 रन ही बना पाए। इसलिए अमय की प्रतिभा की असली तस्वीर उनके घरेलू क्रिकेट आंकड़े साफ करते हैं। फिर बात चाहे अमय के 119 फर्स्ट क्लास मैचों में 21 शतकों के साथ 40.80 की औसत से बनाए गए 7304 रनों की हो या लिस्ट ए क्रिकेट में बनाए गए 3768 रनों की हो, अमय के रिकॉर्ड बहुत से खिलाड़ियों के लिए एक सपने की तरह है। हालांकि 2006 में उनकी घरेलू टीम ने भी उनसे आगे देखने का फैसला कर लिया था, तो अमय ने हार मानकर सिर्फ 35 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। संन्यास के बाद बधी हुई आवाज रखने वाले अमय ने कमेंट्री की ओर रुख किया, मगर उस दौर में चुनिंदा चैनल हुआ करते थे, जिसके चलते उन्होंने दूरदर्शन का हाथ थामा। हालांकि अमय ने कमेंट्री ज्यादा नहीं की और कुछ वक्त के लिए कोचिंग की तरफ रुख किया। अगर कुछ प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस की माने तो फिलहाल अमय खुरासिया कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। तो दोस्तों, ये थी भारतीय क्रिकेट इतिहास के इकलौते IAS अमय खुरासिया की कहानी, जिन्हें एक टैलेंटेड खिलाड़ी से ज्यादा अंडररेटेड खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपको बताते चले कि नारा टीवी की टीम इस तरह के और क्रिकेटर्स के वीडियोस पर भी काम कर रही है। इस संबंध में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।